नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की देश भर की कुछ खास खबरों से। पति के भाभी से अवैध संबंध के कारण नवविवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला। पीड़िता ने कोतवाली सयाना पहुंचकर अपने पति, सास, ससुर, ननद, ज्येष्ठ व दो जेठानी के खिलाफ दहेज एक्ट सहित मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। सयाना कोतवाली पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। मामला जनपद बुलंदशहर की कोतवाली सयाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की शादी लगभग सवा साल पहले जनपद बुलंदशहर के ही थाना खानपुर क्षेत्र में हुई थी। शादी के दो महीने बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित और मारपीट करते रहे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मेरे पति की मेरी जेठानी से अवैध संबंध है, जब वह इसका विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। और आगे पीड़िता ने बताया कि उसका पति घर छोड़कर बुलंदशहर अपनी भाभी के पास जाकर रहने लगा। जब वह बुलंदशहर अपने पति के पास पहुंची तो उसके पति ने अपनी भाभी के साथ मिलकर लात घूंसों से मारपीट की। बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट। आप कोतवाली थाना में आई हुई हो, क्या है सारा मामला? सर, हमारे घर वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, दूसरी औरत के चक्कर में रोज मारते रोज पिटाई करते हैं, दहेज वहेज की मांग करते हैं। दहेज कहाँ से ला कर दे, मैं घर से बाहर निकाल दे, मैं दूसरे के घर पर सोना पड़ा है। ये सिलसिला कब से चल रहा है? शादी के बाद से चला, दो तीन महीने बाद से। आज आप कोतवाली थाने में आए हो, क्या है सारा मामला? मामला ये लड़की को लेकर हम अपने पीछे क्या दिक्कत हुई लड़के साथ? ससुराल वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इस मामले से मार पड़ाई बराबर कर रहे हैं। अच्छा, तो कब से ये सिलसिला चल रहा है? ये सिलसिला शुरू से ये करीब दो तीन महीने बाद से। शादी को कितने करीब डेढ़ साल के लिए पड़वा होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।